हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, अगर मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए एक बात बताऊं तो कि जो वीडियोस आ रही हैं उसमें हमारे पास आ रही हैं, मतलब तुम्हारे पास आ रही हैं, एक तो 12th क्लास हिंदी मीडियम, ठीक है, एक आ रही है अपने पास 12th क्लास इंग्लिश मीडियम, और एक थर्ड आ रही है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, जिसे अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो थर्ड वीडियो है वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, तो अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है, और धीरे धीरे वो कहाँ तक लेवल पहुँचेगा, CSIR नेट यानी कि केमिस्ट्री के लिए सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होगी अपन बेसिक से स्टार्ट करें, और फिर वो टिल कहाँ जाएगा, कंप्लीट नॉलेज तक, जितनी मुझे आती है उतनी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन कौन सी वीडियोज़ डाल रखी हैं, एक सबसे पहले VS EPR थ्योरी जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसके बाद इसी में ही मैंने सेकेंड क्या डाल रखा है, VS EPR थ्योरी के 4 या 5 लेक्चर्स हैं। उसके बाद ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसकी बात करी हमने, और फिर थर्ड बात करते हैं आज अपन पाई बॉन्डिंग। एक तो होती है अपने पास पी पाई और एक कौन सी होती है डी पाई, तो कब तो पी पाई बॉन्डिंग होगी और कब डी पाई बॉन्डिंग होगी, इसे भी अपन कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में। इस इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा या नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद देखो एक बात और थी यहाँ पर, इसमें मैंने कहा था बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब एक बात और थी यहाँ पर, इस इन टॉपिक से रिलेटेड क्या करनी है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बहुत सारे एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व करवा दिए थे, अब क्योंकि तुम्हें भी एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस में आने चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तो नहीं डाल पाई थी, लेकिन इन सब की लिंक और इसके बाद जो इनकी PDF होगी वो मैं इस लेक्चर में डाल दूँगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जब तुम देखोगे तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी PDF तुम्हें यह इसी में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इन वीडियोस की लिंक भी यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब देखो कभी तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं जनरल बेसिक बात करूँ तो वैसे हमें ये सब पता है कि H2 है और इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, इसको मैं बताने भी नहीं वाली क्योंकि हमें पता है ये सिग्मा और ये क्या होता है पाई होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा और ये क्या हो गया 2 पाई, ठीक है, इतना सब कुछ हमें पहले से ही पता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन पाई बॉन्ड बनाता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे पढ़ रखा है SPD, ठीक है, क्योंकि क्या होता है S जो होता है उसके पास सिंगल ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। एस कभी भी क्या नहीं बनाता, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो पाई बॉन्ड के लिए किसका यूज़ नहीं करना, एस का। अब रहे कौन से, पी और ये क्या हो गया डी। एफ क्या होता है, एफ जो ऑर्बिटल होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा क्योंकि वो क्या करते हैं बॉन्डिंग कम शो करते हैं, तो हमें किसकी बात करनी है मेनली, पी की, और किसकी करनी है डी की। इजीली अवेलेबल तो होगा लेकिन बॉन्डिंग इजीली क्या नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, पी की बात करेंगे और किसकी करेंगे डी की करेंगे, ठीक है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, सबसे पहले देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर, O2 N2 तो तुम्हें पता है, चलो जल्दी से देखते हैं। O2 में अगर मैं बात करूँ O2 में कौन सा बॉन्ड होगा, तो हमें ऐसे पता है ना यहाँ पर ये सिग्मा और ये क्या हो गया यहाँ पर पाई। अगर मैं कहूँगी ये वाला पाई बॉन्ड कौन सा है तो तुम क्या बोलोगे, पी पाई बॉन्ड है या पी पाई डी पाई बॉन्ड है, कैसे बोलेंगे। इसके 2 मेथड है, एक तो अपन पूरा क्या करें इसको सॉल्व करें, एक बार हम कर भी लेंगे समझने के लिए, और एक क्या है डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ऑक्सीजन के पास क्या होता है 1s2 2s2 और ये क्या हो गया 2p4, ठीक है। अब इसके पास 2p है, 2d होता भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो डी तो है ही नहीं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पी, तो ये वाली बॉन्डिंग, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये कौन कौन से ऑर्बिटल बना रहे हैं, इसका भी पी ऑर्बिटल आएगा क्योंकि डी तो है ही नहीं, इसका भी डी ऑर्बिटल आएगा, तो इस पी ऑर्बिटल आएगा, तो बॉन्डिंग कौन सी हो गई, पी पाई। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, इसको देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं तो पी पाई हो गया। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करूँ, ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये वाली भी पाई बॉन्डिंग है, ये वाली ये सिग्मा है, ये पाई और ये क्या हो गया पाई। क्वेश्चन इज ये कौन सी पाई बॉन्डिंग है, पी पाई या पी पाई डी पाई, कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट मेथड, वैसे अपन पूरा सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ डायरेक्ट समझ लो। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर
पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड बन रहा है तो कौन से ऑर्बिटल काम आएंगे? ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन के, 1s2, 2s2 और ये क्या है 2p3। इसके पास भी क्या नहीं होता, 2d होता ही नहीं है। जब 2d है ही नहीं तो डी बॉन्ड कैसे बना सकता है ही नहीं, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्डिंग है वो कौन सी हो गई, पी पाई। इसके पास भी पी ऑर्बिटल और इसके पास भी क्या हो गया, पी ऑर्बिटल। ये तो हो गया जो अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड है। अब करते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन, एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कैसे पाई बॉन्डिंग होती है और कैसे डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है, पी पाई और डी पाई। तो इसके लिए क्या किया, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने पी ओ फोर माइनस थ्री, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैंने तुम्हें जो VSEPR थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कैसे स्ट्रक्चर बनती है। देखो जल्दी से बना देते हैं पी। अब यहाँ पे क्या है, चार ऑक्सीजन है, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। चार ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिखा, माइनस थ्री का मतलब इन सबके पास एक एक माइनस बस, -1 -1। अब -3 है तो एक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो अकेला रह गया, ऑक्सीजन है ना, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। कितने ऑक्सीजन रह गए यहाँ पे, 3। और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, 2, 6, दो बॉन्ड बनाएगा, ये दो बॉन्ड बना दिए। नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। अब ये क्या बनाएगा, 7 हो गए ना, स्टेबल होना है। रिक्वायरमेंट कितने की है, स्टेबल कितने वाला, 8 वाला। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, याद क्या रखना है तुम्हें, अगर ऑक्सीजन ऐसे है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए स्टेबल के लिए। और ओ नेगेटिव है तो ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग देखेंगे। एक बार इसके स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि ये पहले बता रखी है तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। पी, 4 ऑक्सीजन है, 1, 2, 3 क्या हो गया, 4। अच्छा, स्ट्रक्चर को अभी ऐसे बनाया, वैसे अपन कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक क्या अपना, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, इतना हो गया, ठीक है। ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है, सिग्मा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और ये वाली बॉन्डिंग कौन सी हो गई, पाई। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड कौन सा है, ये पी पाई बॉन्ड है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस पी का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ में आ रहा है और इस ऑक्सीजन का कौन सा यूज़ में आ रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ये तो फिक्स है, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, तो इसका जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा, पी पाई। ऑक्सीजन का तो फिक्स है क्योंकि डी होता ही नहीं, पी को चेक करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लिखा मैंने पी, एटॉमिक नंबर 15 ये हमें पता ही है। क्या लिखेंगे, 2, 8 और ये क्या हो गया, 5। एक मिनट थोड़ा सा बेसिक देखो, फिर तुम जल्दी से कर लोगे इसको। 2, 8, 5 के बाद क्या करना है, देखो तुम्हें यहाँ पर 2 और 8, इसको मैं क्या लिखूँ, 10, और 10 मतलब क्या हो गया, नियॉन। ये 5, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब तीसरा कोश, तो अपन क्या लिखेंगे, 3s, और ये क्या हो गया, 3p। ये फर्स्ट और सेकेंड तो नियॉन हो गया, थर्ड के लिए ये आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3s है, 3p है, तो 3d भी होगा, और 3d को मैं क्या लिखूँ, 0। इतना तो हमें ये बहुत बेसिक है, पता ही है, 3s 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 3s में गए 2, 3p में गए 3, और 3d क्या हो गया, 0। अब इसको बनाते हैं यहाँ पर, s, ये लिखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3d3। और d को हम बनाते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, या छोटा सा साइड में बना लेते हैं, और ये हो गया यहाँ पे d, 3d के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसको मैं साइड में बनाऊँ छोटा सा, ऐसे बना लेते हैं, O नेगेटिव, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, O नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर इस वाले पाई बॉन्ड की हमें बात करनी है, क्वेश्चन मार्क। इसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था। अब देखो यहाँ पर एक बार चेक करो, फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, ये देखो फॉस्फोरस ने बनाए यहाँ पे 5 बॉन्ड,
ठीक है। और पांच बॉन्ड कब बनेंगे, अभी तो ये तीन बनेंगे, ये बॉन्ड अभी नहीं बनाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, करना क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दो, बस इतना ध्यान रखना, जब भी तुम्हें पाई बॉन्डिंग दिखानी हो तो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अनपेयर्ड कर दो। ये 3p है और ये हो जाएगा 3d1, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात करी है, अभी तक हमने सिर्फ बात करी है किसकी, फॉस्फोरस की। अब कौन आएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन की बात करोगे तो कितने ऑक्सीजन, अच्छा देखो पहले मैंने लिखा यहाँ पे ओ नेगेटिव, क्यों लिखा ओ नेगेटिव, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आई ना कि ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और ये 6, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। और अगर ओ नेगेटिव लिखा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले पहले उनको निपटा दो, कितने तीन ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड वाले, तीन, तो इसको लिखा मैंने ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। अब क्या रह गया, ये ऑक्सीजन, ये लिख दिया ऑक्सीजन। अब देखो इसके बाद और सॉल्व करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ओ नेगेटिव की बात करो क्या बनाएगा, मैं ऐसे कर देती हूँ, ये बन गया एक बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कौन सा बन गया सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कौन सा बन गया सिग्मा, ठीक है। इस ऑक्सीजन की बात करो, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने वाला है, दो बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा इसको थोड़ा सा यहाँ देखो, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, ठीक है, पी को बनाते हैं, ये बनाया मैंने पी, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब बताओ ये p4 है ना, कितने बॉन्ड बनेंगे, दो ही तो बनेंगे, दो बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड तो ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है, और एक ये वाला बनाएगा, ये तो बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, इसको मैं लिखती हूँ px, इसे लिखा py और इसे क्या लिख दिया pz, कैसे भी कर लो, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शो करने, ये कर दिए, ये समझ में आया, दो इलेक्ट्रॉन कैसे शो किए, अगर करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, ये तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बनाएगा, और ये भी कितने बनाएगा, एक बनाएगा, लेकिन ये कितने बना रहा है, दो, यहाँ से देख सकते हो, इस डायग्राम से देख सकते हो, कैसे भी कर लो। अब ये दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखो जो फर्स्ट बॉन्ड है ये वाला, इसके साथ फर्स्ट बॉन्ड तो हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा ऑक्सीजन का, ये जो पहला बॉन्ड बना वो कौन सा बन गया, सिग्मा। अभी ये दूसरा भी बैठा है, ठीक है, अब ये दूसरा बैठा है तो ये देखो जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना वो ऐसे बनता है, ये रहा सिग्मा बन गया, एक फॉस्फोरस है यहाँ पर, एक कौन है ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सिग्मा। अब क्या हो रहा है, यही फॉस्फोरस और यही कौन है ऑक्सीजन, दूसरा बॉन्ड और बना रहे हैं, तो दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा, और इस वाले से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, कैसे बनेगा देखो, इसको यहाँ से देख सकते हो अपन, ये वाला, और अब जो ये बॉन्ड बनेगा इसी का ही बन रहा है ना दूसरा बॉन्ड, एक तो सिग्मा बन गया, दूसरा ऐसे बनेगा, तो एक ही एटम के जब दो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन एक साथ बॉन्ड बना रहे हो, तो एक बनता है सिग्मा और दूसरा कौन सा बनेगा, पाई। हमें ये तो पता लग गया कि ये बॉन्ड पाई है, अब तुम बताओ ये कौन सा पाई है, कैसे करोगे, देखो ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, पी से आ रहा है, सिर्फ पी देख लो, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, पी से, वैसे भी ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं है, और ये बॉन्ड किससे बन रहा है, डी से, तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, अगर मैं इसकी नेमिंग लिखूँ यहाँ पर तो पी पाई डी पाई, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, एक, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड भी कितने हो गए, एक, इसका मतलब हो गया जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन का तो पी काम में आ रहा है, पी ऑर्बिटल, पी कक्षक काम में आ रहा है, और फॉस्फोरस का कौन सा काम में आ रहा है, डी, दिस इज़ कॉल्ड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अभी क्या करते हैं, देखो दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CO3-2, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करोगे, देखो अच्छा पहले जनरल डायग्राम बनाते हैं, सी कितने ऑक्सीजन, तीन, क्योंकि अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को कैसे बना दो, ये तीन ऑक्सीजन कैसे भी लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद -2 है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, एक माइनस यहाँ लगा दूँ, एक माइनस यहाँ लगा दूँ, इतना हो गया, थर्ड ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा,
जब ऑक्सीजन ऐसा रहेगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड, ये क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये सिग्मा और ये क्या हो गया पाई, ये तो सिग्मा है ये भी सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड वन। ठीक है, सिग्मा की बात नहीं कर रहे, अपन को पाई बॉन्ड डिस्कस करना है। अब बताओ ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, सॉल्व करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट बता दूँ। देखो कार्बन, कार्बन का क्या होता है, सिक्स वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू, इसके पास डी होता ही नहीं है। ऑक्सीजन की बात करो, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फोर, ठीक है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास भी डी नहीं होता, टू डी तो होता ही नहीं है ना, इसका मतलब 100% बॉन्ड बनने वाला कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल ही बनाएगा, डी तो है ही नहीं, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, पी पाई, पी पाई, इसका भी पी आएगा, इसका भी कौन सा आएगा, पी आएगा, क्योंकि इनके दोनों के पास क्या नहीं है, डी नहीं होता। ठीक है, अब करते हैं अपन इसको पूरा सॉल्व, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले कार्बन की बात करो, कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऑर्बिटल बनाते हैं कार्बन के, तो ये इसको काम में लेना है हमें, ये 2s, ये क्या हो गया यहाँ पे 2p, s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, p में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p2, कौन सी स्टेट है, मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद मैंने क्या कहा था, सबको अनपेयर्ड कर दो, अनपेयर्ड मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज दो, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था, क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर कभी भी तुम्हें पाई बॉन्डिंग शो करनी है तो सबको अनपेयर्ड कर दो, ठीक है, पेयर्ड नहीं होना चाहिए, सबको अनपेयर्ड कर दो, इतना कर दिया। अब ऑक्सीजन लगा दो, कैसे लगाओगे ऑक्सीजन, देखो तीन ऑक्सीजन है ना, पहले मैंने क्या कही थी, सिंगल बॉन्ड वालों को निपटा दो पहले, तो ये सिंगल बॉन्ड है ओ नेगेटिव, दूसरा वाला भी क्या है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है, ये थर्ड वाला डबल बॉन्ड बना रहा है। अब क्या करोगे, इस ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, ये कितने बनाएगा, एक, ये कितने बनाएगा, दो, ऐसे ही तो करा था अपन ने। अब चेक कर लो यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बनेगा, एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बनेगा, ये दो बॉन्ड बना रहा है, तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो कौन सा हो गया, सिग्मा, और जो सेकेंड बॉन्ड होगा ये वाला किससे बन रहा है, सेकेंड बॉन्ड यहीं तो बन रहा है इससे, ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई। अब कौन सा पाई होगा इसको भी देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अभी अभी हमने देखा था, इसके पास डी तो होता ही नहीं है ना, तो कहाँ से आया है, पी से आया है, और कार्बन के पास ये भी कहाँ से आया, पी में ही है ये भी, तो बॉन्डिंग कौन सी हो गई, पी पाई, पी पाई। बस तुम ये देखो कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना वो कौन से ऑर्बिटल से आ रहा है, हो गया अपना सेकंड एग्जांपल, और डिस्कस करते हैं, दो तीन एग्जांपल करेंगे तो हमें ये क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब तो हम पी पाई बोलेंगे और कब पी पाई डी पाई बोलेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी एल ओ फोर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं एक बार अपन, ये लिखा मैंने एग्जाम्पल थर्ड सी एल ओ फोर माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे देखो, सबसे पहले लिखा मैंने, रफ डायग्राम बनाए, पाई बॉन्डिंग देखते हैं, सी एल चार ऑक्सीजन है, कैसे भी लगा दो क्योंकि हमें शेप नहीं देखनी, ये हो गया चार ऑक्सीजन। अब बताओ इस बार कितने ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज आने वाला है, इस बार आएगा माइनस वन चार्ज एक ही पे आएगा, तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखा माइनस वन, कहीं पे भी लिख देते ये लो, ठीक है, और यहाँ पे एक ही नेगेटिव है तो एक ही लगाएंगे, बाकी के ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या है सिग्मा, इसकी बात करो पाई पाई, और ये भी कौन सा हो गया पाई। अब हमें देखना है ये जो पाई बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी पाई बॉन्डिंग है, पी पाई बॉन्डिंग है या फिर पी पाई डी पाई, सॉल्व करते हैं इसको, देखो वही सेम चलेगा, बस प्रैक्टिस के लिए करते जाते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम खुद से करके देखो। सी 17, इसको अपन कैसे लिखें जल्दी से, ऐसे लिखते हैं देखो, 2 8 और ये क्या हो गया 7, 2 और 8 10 होता है, और 10 को अपन क्या लिखते हैं नियॉन, हो गया यहाँ तक, ये 10 नियॉन हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये कौन सी हो गई थर्ड, तो थर्ड वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे 3s, थर्ड वाला 3s से स्टार्ट होगा, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, 3p कर सकते हैं इतना तो अपन, 3p5, ये हमें आता है पहले से ही, 7 इलेक्ट्रॉन है, एस में गए दो, पी में गए 5। अच्छा अब बताओ यहाँ पे 3d है क्या, 3d, देखो एक बात सुनो, n इक्वल्स टू 1 है तो 1s होगा, n इक्वल्स टू 2s है तो 2s होगा, और क्या होगा 2p होगा, अगर n इक्वल्स टू 3 है तो क्या होगा 3s भी होगा, 3p भी होगा, और 3d भी होगा। अब यहाँ पे 3s है 3p है तो 100% यहाँ पे कौन होगा, 3d भी होगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन,
ये 7 यहाँ पर आ गए एस में और पी में, इसके पास क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन, तुम्हें याद क्या रखना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको लिखते नहीं हैं, लिखते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। अदरवाइज़ अगर 3s है 3p है तो 3d भी होगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं है इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्व करते हैं। मैंने एक तुम्हें बात कही थी अभी कि जब भी हमें क्या शो करना हो पाई बॉन्डिंग, तो क्या करोगे सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर दो। कैसे, पहले ये बनाते हैं अपन। 3s बनाया, एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी बनाओ, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। डी बनाओ, ये डी बन गया, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3s2 हो गया, 3p5 हो गया, और ये क्या हो गया 3d0। इसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, क्योंकि हमें पाई बॉन्डिंग शो करनी है। तो कौन सी पाई बॉन्डिंग है, इसके लिए सबको अनपेयर्ड करो। अनपेयर्ड मतलब ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, इसको कहाँ भेजोगे आगे, चाहो तो एक साथ भेज दो या फिर एक एक करके। अभी हमने एक बारी किया है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पी से कहाँ जा रहा है, डी में। क्या करोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसे ही रहेगा, और ये बनाया मैंने डी। अब कैसे लिखोगे ये भी देख लो, ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रॉन को भेज रहे ना अपन, तो ये इधर और ये वाला यहाँ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 3s2। 3p कितना हो गया 4 और 3d1। अभी ये भी पेयर्ड है, मैंने क्या कहा ये सबको अनपेयर्ड करो, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। और इस बार डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस बार डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये भी रह गया, इसको भी करना पड़ेगा, तो कौन सी आएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ जाने वाला है, क्या करोगे, ये इधर एक ही इलेक्ट्रॉन। अब बनाओ पाई बॉन्डिंग, ठीक है, सबको कुछ भी नहीं किया, सबको अनपेयर्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए एक एक कर। अब सारे कैसे, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। अब बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग। जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाओगे तो क्या होगा, देखो क्योंकि स्पेस कम है तो मैं ऊपर ही बनाती हूँ। पहले बनाओ सिंगल बॉन्ड वाले को निपटा दो। सिंगल बॉन्ड वाला कौन है, एक ही है ना, ओ नेगेटिव वाला, ये लिख दिया मैंने ओ नेगेटिव, ठीक है। ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड हम बना देंगे, ये लो सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बना देते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसके बाद देखो तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, तीन ऑक्सीजन है तो तीनों को एक साथ लिखो, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, और ये भी क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूँ इस वाले ऑक्सीजन की, ABC कर दे, डायरेक्ट करो, ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके भी कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, और इसके भी कितने बनेंगे, 2। ये वाली बात समझो यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो ओ नेगेटिव है वो तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शो किया है, बाकी के तीन ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन शो किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बार मैं इसको क्या करती हूँ, ऊपर बनाती हूँ, तुम देखना इसको कैसे, तो पाई बॉन्डिंग हो रही है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे, सिग्मा कुछ को सिंगल बॉन्ड वाले को शो कर दो। सिंगल बॉन्ड वाला कौन है, ऑक्सीजन, ओ नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया इसका सिंगल बॉन्ड, और इसका हम नाम क्या देंगे, सिग्मा। अब किसके बात करेंगे, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, तीनों को लिखो पहले, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन काम में आने वाले हैं ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे लिखा। फिर इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। नेक्स्ट अब बॉन्डिंग शो करो, क्या कहा था मैंने, अगर इसकी फर्स्ट बॉन्डिंग हो रही है तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिग्मा। इसके वाले दूसरे वाले की बात करो, फर्स्ट बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिग्मा। चलो एक एक करके बात करते हैं, हाँ चलो ये सिग्मा हो गया, और ये भी कौन सा हो गया, सिग्मा, ठीक है। अब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन और रह गया है। अब देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ने क्या बनाया, सिग्मा, px हो गया, सपोज़ करो ये px है, तो py 100% का होगा, ऐसे होगा, है ना, और ये py क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। एक तो ऐसे बन गया सिग्मा, और दूसरा ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ऐसे होगा px में, दूसरा कहाँ पर होगा, py में, पाई बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगा पाई बॉन्ड, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, और ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। कैसे बनेगा देखो,
इसको मैंने लिखा ऐसे, इधर तो है ही नहीं, इन सब की तो बॉन्डिंग हो गई, अब ये वाला बॉन्डिंग बनेगा तो ये गया इधर, क्या बनाने गया, पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सी पाई बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन का काम में आने वाला है पी पाई, और ये कौन सा है, डी है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पी पाई डी पाई। अभी लिख लेंगे, इसकी बात करूँ ये भी बॉन्ड बनाएगा, इधर तो है ही नहीं जगह, तो यहीं बनेगा बॉन्ड, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरे से बनाएगा, इसकी भी नेमिंग क्या हो जाएगी, पी पाई डी पाई, और ये सेम यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इस बॉन्डिंग के नाम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, पी से, और ये कौन सा है यहाँ पे, थ्री डी है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई, इसकी बात करो पी पाई डी पाई, और ये भी कौन सा है, तीन है ना, तो तीनों कौन से हो गए, पी पाई डी पाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने पी पाई बॉन्ड है, तो जीरो पी पाई इनमें से एक भी नहीं है, सारे ही डी पाई हैं, और डी पाई कितने बॉन्ड हो गए, पी पाई डी पाई, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, थ्री। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे, ये आज अपना छोटा सा ही टॉपिक था, और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी अपन इतना पढ़ेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, दैट्स ऑल।